राहुल गांधी के ट्रैक्टर की हवा निकालकर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर उसी रास्ते पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से सियासत का बियावान शुरू होता है। कांग्रेस में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिन्हें पहले से ही ठिकाने लगा रखा था, लेकिन गांधी वाड्रा परिवार का इस बात का भ्रम था कि सिद्धू उनके काम की चीज है। राहुल गांधी की रैली में सिद्धू ने उनका ये भ्रम भी तोड़ दिया। कभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जाने और कभी बीजेपी में वापसी की अटकलों को वे बार बार हवा देते रहते हैं। एक बार फिर से सिद्धू के बीजेपी में वापसी के चर्चे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल कहते हैं कि सिद्धू जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे और बीजेपी में वापसी करेंगे। वजह यह है कि जिस तरह का भाषण उन्होंने राहुल गांधी के पंजाब दौरे के दौरान मंच पर राहुल गांधी की मौजूदगी में दिया, उससे उनकी कांग्रेस में वापसी के रास्ते भी बंद होते दिख रहे हैं और साथ ही बीजेपी में फिर से वापसी के रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन बीजेपी में सिद्धू की वापसी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जाते ही सिद्धू ने पीएम मोदी पर जमकर तीर छोड़े। लोकसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी पर किए गए उनके हमलों को भूल पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, और अगर बीजेपी उन बातों को भूल भी जाती है तो सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं बीजेपी को रास नहीं आने वाली। लंबे समय से शांत बैठे सिद्धू के बारे में चर्चा ये रही कि वह कांग्रेस में अब सिर्फ नाम मात्र के लिए और तब तक हैं जब तक उन्हें कहीं दूसरी सियासी ठिकाना नहीं मिल जाता। बीच में जोरदार चर्चा चली कि वे आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं या अपना कोई राजनीतिक दल लॉन्च कर सकते हैं। इन चर्चाओं को तब हवा मिली थी जब इसी साल अगस्त महीने में सिद्धू की पत्नी और अमृतसर से विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि बीजेपी अगर शिरोमणि अकाली दल से नाता तोड़ दे तो पार्टी में वापसी पर पुनर्विचार किया जा सकता है। सिद्धू सियासी रूप से महत्वाकांक्षी शख्स हैं। उनकी इच्छा पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की है। उनके पक्ष में पॉजिटिव बात यह है कि उनका हिंदू और सिख दोनों समुदायों के मतदाताओं में आधार है। वह बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, मशहूर क्रिकेटर रहे हैं और इस वजह से भारत में खूब जाने जाते हैं। सिद्धू ने जब बीजेपी छोड़ी थी तो उसके पीछे भी कारण उनकी सियासी महत्वाकांक्षा ही था, वरना वे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव थे, राज्यसभा के सांसद थे। ये उन्होंने खुद ही कहा था कि बीजेपी आलाकमान ने उनसे पंजाब की सियासत में दखल न देने या एक तरह से पंजाब को छोड़ देने के लिए कहा था। तब सिद्धू ने कहा था कि वे पंजाब नहीं छोड़ सकते। बहरहाल उनकी पत्नी के हालिया बयान के बाद जब बीते दिनों कृषि कानून के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी और फिर एनडीए से अपना नाता तोड़ा तो ये तय माना गया कि सिद्धू जल्द ही पुरानी पार्टी में वापसी करेंगे। लेकिन हाल ही में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हरीश रावत ने चार्ज संभालते ही सिद्धू से मुलाकात की और उनके साथ भोजन भी किया। रावत सिद्धू को मनाने में ही जुटे थे कि राहुल गांधी के कृषि कानूनों के मसले पर एक रैली में भाग लेने पंजाब पहुंच गए। रावत के मनाने पर इस रैली में सिद्धू पहुंचे और एक बार फिर अमरिंदर सिंह को निशाने पर लिया। सिद्धू ने कहा, अगर हिमाचल सरकार अपने सेब पर एमएसपी दे सकती है तो पंजाब सरकार भी अपनी फसलों पर दे। सरकारें दिखाने के लिए नहीं होती, हल देने के लिए होती हैं। पंजाब सरकार जिम्मेदारी ले और हल दे।